डी फार्म वर्सेस बी फार्म। तो अगर आपने 12th साइंस कंप्लीट कर लिया है और आप फार्मेसी में अपना करियर चूज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। उससे पहले अगर आप हेल्थ केयर के करियर के रिलेटेड कंटेंट को एंजॉय कर रहे हैं देन सब्सक्राइब टू अ डॉक्टर चैनल एंड हिट अ बेल आइकॉन ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं, फार्मेसी में दो टाइप के कोर्सेज है, आफ्टर 12th साइंस डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी। काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सा कोर्स करें क्या करें, दोनों में डिफरेंस क्या है। डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स है और बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 साल का कोर्स है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिप्लोमा है और वो बैचलर कोर्स है, पर हाँ दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है इंडिया में, आपको लाइसेंस भी मिलेगा, तो आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर या आप मेडिकल स्टोर फार्मेसी स्टोर में एज ए रिटेल फार्मासिस्ट जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो डिप्लोमा फार्मेसी हो या बैचलर फार्मेसी हो। तो डिफरेंस कहाँ पे है, मेजर डिफरेंस जो मुझे लगता है वो है ओवरसीज करियर अपॉर्चुनिटीज। अगर आप फार्मेसी में एब्रॉड में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए ये सब जगह पे अगर प्लान कर रहे हैं फर्दर करियर अपॉर्चुनिटीज मास्टर्स और उसमें भी डिफरेंट सारे स्पेशलाइजेशन वगैरह, तो एक लिमिटेशन है क्योंकि डिप्लोमा फार्मेसी ओवरसीज काफ़ी सारे जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे वैलिड नहीं होगा, आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी चाहिए होगा। तो अगर ऑलरेडी जिन्होंने डी फार्म स्टार्ट कर लिया है उनके लिए ये लिमिटेशन है, पर अगर आप डिप्लोमा फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद आप बैचलर ऑफ फार्मेसी परस्यू कर सकते हैं, वहाँ पे आई थिंक आपको 2 या 2.5 साल का एक कोर्स लेटरल एंट्री मिलती है बैचलर ऑफ फार्मेसी में, तो आप वो कर सकते हैं ताकि आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी भी कंप्लीट हो जाए डी फार्म के बाद, तो वो दैट लेटरल एंट्री इज अवेलेबल अगर आप फ्यूचर में ओवरसीज करियर के बारे में सोच रहे हैं। मोस्ट कॉमनली जो हमने बात किया डी फार्म के बाद जनरली लोग रिटेल फार्मेसी चूज करते हैं, पर बी फार्म बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद आपको काफ़ी सारे अदर करियर अपॉर्चुनिटीज जैसे इंडस्ट्रियल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी ये से सारे सब्जेक्ट, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप मास्टर ऑफ फार्मेसी में करियर अपॉर्चुनिटीज में आगे जा सकते हैं जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये था डिफरेंस डी फार्म और बी फार्म का। आई होप कि जो भी 12th साइंस के स्टूडेंट हैं फार्मेसी में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल होगी। और अगर आप सारे फार्मेसी कॉलेजेस में कहाँ कहाँ पे ये कोर्सेज चल रहा है, कौन से स्टेट में सिटी में ये जानना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर कोर्सेज पे सारे कोर्सेज सर्च कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग, कोर्स के अकॉर्डिंग, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और वहाँ से आप डायरेक्टली एडमिशन इंक्वायरीज भेज सकते हैं सभी कॉलेजेस में, ऐसे ही हेल्थ केयर करियर के रिलेटेड वीडियोस के लिए। स्टे ट्यून विथ डॉक्टर हब, हेल्थ केयर में करियर चूज डॉक्टर हब।